कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर तो इजी था, इजी भी इजी था और टेक्निकल भी इजी था। बस अगर हम बोले कि इधर जीके का, तो इसका बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट था, मॉडरेट से भी थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था ऐसा कह सकते। कुछ अजीब तरह का क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा था जैसे इससे कोई लेना देना ही नहीं है, टाटा कंपनी कंडक्ट करवा रही है, लग ही नहीं रहा था कि ये टाटा कंपनी कंडक्ट करवा रही है जीके का। तो सीरियसली रियली बात भाई बताइए कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया? एकदम जितना था उतना अटेम्प्ट किया है, जितना था उतना अटेम्प्ट कर दिया। अच्छा टोटल आपने 139 अच्छा ये बताइए कि पिछली बार आप लोगों ने देखा था पेपर, तो उसके हिसाब से कैसा था? इजी पेपर था, पेपर इजी था, जीके बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब पिछली बार के कंपैरिजन में रीजनिंग भी। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का सिविल था ना? हाँ सिविल था। अच्छा ये बताइए कि सिविल में किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए थे? सर्वे वगैरह से थे सवाल? हाँ सर्वे से था, बीएमसी से था, इरिगेशन से था, हाईवे से था, यहाँ तक कि मेजर जो भी था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि किसी से बहुत ज़्यादा था किसी से बहुत कम, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड था। पहले की अपेक्षा इरिगेशन से थोड़ा ज़्यादा पूछा गया था सवाल, इरिगेशन। अच्छा ये बताइए कि कुछ बहुत टफ क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन था इसमें? हाँ था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, दो चार न्यूमेरिकल था जो कि बहुत कैलकुलेटिव था, एक EI DY/DX वाला क्वेश्चन था वो कैलकुलेटिव था, तो वो सब नहीं निकलने वाला, उसको छोड़ने स्किपेबल क्वेश्चन था मोस्टली, और एक दो क्वेश्चन होते हैं कि फंसाने के लिए, छोड़ने के लिए था वो, जैसे एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाला, सॉरी HI वाला मेथड था वो निकालना था उसमें, मतलब बैक साइड फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन। आरसीसी वगैरह के बारे में सवाल था? आरसीसी से 7-8 क्वेश्चन रहा होगा आरसीसी से। आरसीसी से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, जैसे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे मतलब क्या डिपेंड करेगा, आइडिया ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा कि नहीं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था उसमें। और स्ट्रक्चर वगैरह से और कुछ सवाल? और स्टील वगैरह से बहुत बेंडिंग स्ट्रेस से क्वेश्चन था वो, स्ट्रेस वगैरह कैलकुलेट। अच्छा न्यूमेरिकल टोटल कितने होंगे? न्यूमेरिकल लगभग 25% के आसपास, 20-25% बोल रहे हैं बस। वही हुआ 20-25 वही सवाल। अच्छा ये बताइए कि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल थे जो मतलब देखे फट से आ गया? बहुत इजी था, जैसे कि एक स्टील का क्वेश्चन होता है 0.8L वाला था वो क्वेश्चन, तो मतलब 3×0.8 करके 2.4 उसका आंसर डायरेक्ट, मतलब कि बेसिक वाला क्वेश्चन, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह ये सब। हाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला नहीं, वो इफेक्टिव लेंथ वाला एक क्वेश्चन होता है स्टील का, वो वाला क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा जीके जी की बात करें तो किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे थे? हिस्ट्री वगैरह सवाल थे? हाँ हिस्ट्री से थोड़ा था, कम था हिस्ट्री से और सबके अपेक्षा। स्टैटिक से क्या सवाल था कि याद है कुछ? हाँ रिवर सिस्टम का क्वेश्चन था, मतलब कि एक कि, और फिर से डैम का भी एक आध क्वेश्चन था। कल भी डैम का पूछा गया था। अच्छा ये बताइए बायोलॉजी से, अच्छा बेटे था बायोलॉजी से, क्या सवाल था कुछ याद है? हाँ बायोलॉजी से वो एक था कि प्लांट से नर्मदा रिवर पे मोदी ने कौन सा प्रोजेक्ट चालू किया इस टाइम? अच्छा वो से पहले का था। अच्छा और ज्योग्राफी से क्या थे, नदी झरने वगैरह ये सब, पहाड़ वगैरह पड़ोसी देश? हाँ पहाड़ था, एक था कि वो क्या बोलते हैं इसको, प्लेटू का था कि कौन सा ये प्लेटू कहाँ पे है वो। और कुछ ध्यान? अच्छा आप बताइए कि और कैसा जीके का सवाल आपको कैसा लगा? जीके का सवाल तो मॉडरेट ही था, लेकिन इस बार जो है हमको लगा कि कट ऑफ इस बार हाई जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी है, इसीलिए इस बार कट ऑफ हाई जाएगा। आपने पिछले बार एग्जाम दिया था? हाँ पिछले बार दिए थे, तो उस हिसाब से इस बार इजी है। हाँ उसके बाद उस हिसाब से इस बार इजी और कट ऑफ हाई जाएगा इस बार। आपने कितना बनाया था टोटल? 150। तो कम आ रहा है कुछ क्या? नहीं पूरा बनाया। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग पूरा इजी था, वो 4-5 क्वेश्चन ही छोड़ दे तो पूरा इजी था रीजनिंग। 4-5 क्वेश्चन जो टफ था वो क्या था बताइए जरा? मतलब टफ में था कि जैसे कि पॉइंट डिस्टेंस वाला में था कि लेफ्ट टर्न राइट टर्न लेफ्ट टर्न, डायरेक्शन सेंस टेस्ट था तो वो थोड़ा टफ था। ब्लड रिलेशन का कैसा था? ब्लड रिलेशन पूरा इजी क्वेश्चन था। अच्छा ये बताइए कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसा था? बहुत इजी था। फिगर वाले कितने सवाल थे? फिगर के 4 सवाल थे। कौन कौन सा था? मिरर इमेज था 3 और एक था नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने के लिए था। एनालिटिकल रीजनिंग। अच्छा ये था क्या, सीरीज एनालॉजी? हाँ सीरीज था, एनालॉग भी था। अच्छा सीरीज क्या, फिगर सीरीज था या फिर अर्थमेटिकली? मैथमेटिकली। कोडिंग रिकॉर्डिंग कितने सवाल? कोडिंग रिकॉर्डिंग से होंगे 15 होंगे। 15 कोडिंग रिकॉर्डिंग से, कल भी ज़्यादा पूछे गए थे। अच्छा ये बताइए करंट अफेयर्स कैसे थे? करंट अफेयर्स से मॉडरेट ही था, मतलब मई का भी कुछ क्वेश्चन आया था, कुछ अप्रैल का भी आया हुआ था, और बायोलॉजी से भी था। अप्रैल अभी का? हाँ। अच्छा 2023 का था? 2023 का, हाँ दिसंबर का आया हुआ क्वेश्चन था, और इसमें जो है ना ये पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण, इससे तीन चार। अच्छा नोबेल प्राइज ये सब था? नहीं नोबेल प्राइज से नहीं था, पद्म भूषण पद्म। स्पोर्ट्स वगैरह से सवाल? स्पोर्ट्स से भी नहीं थे। ये बताइए कि बुक एंड ऑथर से एक दो सवाल था? किससे? बुक एंड ऑथर, किताब के लेखक वगैरह? नो नो नो। ये बताइए करंट अफेयर पीछे कितना तक पूछा गया, 2022 या 21 का था सवाल? नहीं 22 21 का नहीं था, मतलब 23 और 24 का ही था, 24 का एकदम लेटेस्ट भी पूछा गया था। 23-24 हाँ लेटेस्ट एक आया था, अब कल आएगा। क्या याद है? याद है इन्हें क्वेश्चन, एक दो सवाल जो याद हुआ अभी का, जैसे कि अभी बायोलॉजी में आया था कि ऊर्जा ग्रिड किसे कहते हैं,
इसमें एक और कोई योजना वगैरह सवाल था? योजना से तो हमको हाँ एक एक दो सवाल था योजना से, योजना से नर्मदा रिवर पर। बेस्ट ऑफ लक।